पोस्ट क्लिफ लिप डिफॉर्मिटी, लिप एंड पैलेट डिफॉर्मिटी थी आपकी अपर लिप पे, जो एक नॉच की तरह और शॉर्ट वर्मिलियन या फिल्ट्रम, शॉर्ट फिल्ट्रल कॉलम एंड वर्मिलियन नॉच वो दिख रहा था, जिसके लिए जेड प्लास्टिक करेक्शन इस पे किए हैं और अच्छा सा फुलनेस अभी दिख रहा है। ये पहले का अगर हम देखें तो इस तरह का एक डिप्रेशन भी वर्मिलियन पे और ये जो फिल्ट्रल कॉलम है वो छोटा था, मतलब शॉर्ट फिल्टर कॉलम विद वर्मिलियन नॉच। और अभी थोड़ी सी पोस्ट ऑफ स्वेलिंग है जिसके कारण कि ये फुलनेस है, लेकिन विद टाइम ये पूरा करेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक बार मुंह खोल दीजिए। और एक पैलेटल फिस्टुला भी था आपका, एक अंदर में पैलेटल फिस्टुला था जिसका कि रिपेयर किया गया था। और इसको भी अगर हम लोग देखें पहले के इससे कंपेयर करें पहले, तो ये कुछ इस तरह का पैरेटल फिस्टुला आप में दिख रहा था यहाँ पे, ये इस जगह, जिसके कारण कि रिगर्जिटेशन और स्पीच में नेजल कंपोनेंट ऑफ वॉइस इंक्रीज था, नेजल ट्विंग जो कहते हैं वो था। एक बार फिर से खोल के दिखाइए, देखें। और अभी ये पैरेटल फ्लैप जो म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप ट्रांसपोजिशन टेक्निक से फिस्टुला को बंद किया गया है, अच्छे से फ्लैप टेक कर चुका है, प्रॉपर दम हील कर चुका है काफ़ी। अगर जूम करके देखो और थोड़ा सा और खोलिए वो, हाँ बहुत बढ़िया, तो एकदम अच्छा हील दिख रहा है। बंद कर लीजिए। अभी एन टी एस का जेल और सिलिकन जेल सीट वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, एज डे 7-8 होगा स्टिच रिमूवल आज हम लोग किए। ठीक।